इस वीडियो में आज हम लोग मैथ्स ऑनर्स कोर्स 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 2 मार्क्स वाला क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था दैट इज़ ए नंबर था कि राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर वेयर पी क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। सो ये जो इक्वेशन है पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर वो है लैंग्रेंजेस इक्वेशन का, एंड लैंग्रेंजेस इक्वेशन का जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है वो होता है डी एक्स बाई पी इज इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इज इक्वल टू डी जेड बाई आर। सो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। सेकेंड नंबर में बोला है कि एक फंक्शन जो कि दिया एक रिलेशन दिया हुआ है दैट इज फाई दैट विच इज द फंक्शन ऑफ यू एंड वी इज इक्वल टू जीरो, एंड जो यू एंड वी है वो फंक्शन है एक्स वाई जेड का और जेड जो है वो डिपेंडेंट है एक्स और वाई का। तो हमको बोला है कि पार्शियल डेरिवेटिव निकालो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ये रिलेशन का। तो सबसे पहले हम यू के रिस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव करेंगे और वी का भी डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, दैट इज डेल फाई बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, क्योंकि एक्स वाई और जेड तीनों का फंक्शन है यू और वी, तो एक बार एक्स फिर एक बार वाई फिर एक बार जेड हो जाएगा, और इंटू डेल एक्स बाय डेल एक्स इंटू प्लस डेल यू बाय डेल वाई इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल जेड इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स। नाउ अब वी का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, सो डेल फाई बाय डेल वी इंटू डेल वी डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स, ठीक है, प्लस डेल वी डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल वी डेल जेड डेल वी डेल जेड एंड डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हम यू एंड वी का कर दिए, ठीक है। फिर बोला है कि सी नंबर दैट इज कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एक्स। तो जब ये सॉल्यूशन निकालने बोलता है इसका मेन पर्पस रहता है कि जेड का वैल्यू को वो निकाल देने का, ठीक है। तो जेड का वैल्यू को निकालने के लिए हमको दो बार इंटीग्रेशन यहाँ लेना होगा। सो सबसे पहले हम क्या कर दिए, इक्वेशन को ऐसे तोड़ दिए दैट इज डेल बाय डेल एक्स और इसको अंदर डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू एक्स। तो हम सबसे पहले क्या ले लिए, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ले लिए, मान लिए कि वाई एक कांस्टेंट है, तो इसको जब इंटीग्रेट किए तो डेल बाय डेल एक्स ये तो 1 हो गया क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन लिए हैं। नाउ एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट। तो क्योंकि हम माने हैं कि जो वाई हम लिए हैं वो एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमारा जो आर्बिट्री कांस्टेंट हम यहाँ पे दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेंगे वो भी फंक्शन ऑफ वाई होगा। सो हमारा आ गया डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस फंक्शन ऑफ वाई। नाउ हमको जेड निकालना है, यहाँ पे सिर्फ डेल जेड बाई डेल वाई है, तो जेड निकालने के लिए हमको फिर से एक बार वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा, ट्रीटिंग एक्स कांस्टेंट हम ले लिए, ठीक है। तो डेल जेड बाई डेल वाई का इंटीग्रेशन जेड हो गया और एक्स स्क्वायर बाई टू था तो एक्स क्यूब बाई थ्री हो गया, तो 2 × 3 दैट इज 6 हो जाएगा। ना फंक्शन ऑफ वाई का इंटीग्रेशन हम दूसरा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट मान लिए दैट इज बड़ा एफ वाई प्लस, क्योंकि हम माने थे कि यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है तो जो हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम यहाँ लेंगे वो भी फंक्शन ऑफ एक्स होगा दैट इज एफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि राइट द वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। सो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन होता है डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल टू के डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट डायमेंशनल हीट इक्वेशन। नाउ सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड वेव इक्वेशन भी आ सकता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाई
डेल एक्स स्क्वायर, वेयर जो सी है, सी स्क्वायर है, वो टी बाय रो है, ठीक है। ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। एंड जो सेकेंड डायमेंशनल वेव इक्वेशन है वो होता है डेल स्क्वायर यू बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर। ये टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे पूछा था वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, जो कि ये है, ठीक है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो बोला है कि राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू। तो ये इक्वेशन दे दिया है और बोला है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, दैट इज इसका कंप्लीट इंटीग्रल, जनरल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। तो उसका भी हम यहाँ पे कर दिए हैं, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है उसका फॉर्म है जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू। और जब क्वेश्चन इस फॉर्म में रहता है तो हम उसका कंप्लीट इंटीग्रल निकालते हैं बाय पुटिंग पी इज इक्वल टू ए एंड क्यू इज इक्वल टू बी। सो बाय पुटिंग पी इज इक्वल टू ए एंड क्यू इज इक्वल टू बी वी गेट द रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। जनरल इंटीग्रल के लिए हम क्या करते हैं, बी इज इक्वल टू फाइव ए लगा देते हैं। तो फाइव ए लगा दिए, जहाँ पे बी था उसका पार्शियल डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू ए कर दिए। नाउ आफ्टर पार्शियल डिफरेंशिएटिंग उसके बाद हम ये लिख देते हैं कि इलिमिनेटिंग ए ऑफ इक्वेशन टू बाय यूजिंग थ्री वी शैल गेट द रिक्वायर्ड जनरल इंटीग्रल। नाउ जनरल इंटीग्रल निकल गया, अब हमको सिर्फ सिंगुलर इंटीग्रल चाहिए। उसके लिए हम ए और बी का, बी के लिए इनवेलप तैयार करते हैं इस इक्वेशन को हटाने के लिए, दैट इज ए का वैल्यू और बी का वैल्यू। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन सिंग कंप्लीट इंटीग्रल आया था उसको हम पार्शियल डिफरेंशिएट लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए एंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो जब हम लिए डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ए तो हमारा आया बी इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड ए इज इक्वल टू माइनस वाई। तो ए और बी का वैल्यू हम फिर इक्वेशन वन में पुट किए तो जेड इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस एक्स वाई विच इज आवर रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। ना जो ई नंबर का क्वेश्चन था वो था स्टेट वेदर द इक्वेशन फोर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इज इलिप्टिकल, हाइपरबॉलिक और पैराबॉलिक। तो सबसे पहले इस तरह का जो क्वेश्चन आता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हम सबसे पहले उस जो गिवन इक्वेशन रहता है उसको इरुलर्स इक्वेशन को से कंपेयर करते हैं। तो इरुलर का इक्वेशन है ए डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस सी डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा ए आ गया फोर, बी है जीरो, सी है वन। तो फिर हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको निकालने के बाद हमारा आया माइनस सिक्स नाइन, दैट इज लेस देन जीरो। नाउ क्योंकि जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर होता है जीरो से तो वो इक्वेशन हाइपरबॉलिक रहता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो रहता है तो वो इक्वेशन पैराबॉलिक होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो अगर स्मॉलर रहे जीरो से तो वो इलिप्टिकल होता है। तो ये माइनस सिक्सटीन था जो जीरो से स्मॉलर क्वांटिटी है, तो ये जो इक्वेशन है वो हमारा इलिप्टिकल आ गया। तो द गिवन इक्वेशन इज इलिप्टिकल। नाउ जी नंबर का जो क्वेश्चन है वो बोला था फाइंड द चारपीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, मतलब सिर्फ हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है, उसको सॉल्व नहीं करना है। तो हमारा जो गिवन इक्वेशन था वो था पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू। सो पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू, हमको चारपीट्स इक्वेशन में जो कि फॉर्म होता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, विद रिस्पेक्ट टू पी एंड विद रिस्पेक्ट टू क्यू निकालते हैं। तो क्यू निकाल दिए हैं ना। चारपीट्स का जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है दैट इज दिस, उसमें हम ये वैल्यूज को पुट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं एंड इस इक्वेशन जो हमारा सॉल्यूशन आया वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ चारपीट्स का ऑक्सिलरी इक्वेशन पूछा है, उसको सॉल्यूशन नहीं पूछा है, सिर्फ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हम जो
चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसमें इससे वैल्यू को निकाल के इसमें पुट करके इसको सॉल्व करके बस उसमें लिख देंगे, ठीक है ना। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था दैट इज एच नंबर की फाइंड द मॉन्ग सब्सिडरी इक्वेशन फॉर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज आर माइनस एस इंटू वाई प्लस एस माइनस टी इंटू एक्स प्लस क्यू माइनस पी इज इक्वल टू जीरो। सो जो मॉन्ग्स का सब्सिडरी इक्वेशन हमको निकालने बोला है इस इक्वेशन का, तो मॉन्ग्स का सब्सिडरी इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आर इज इक्वल टू डी पी माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड टी इज इक्वल टू डी क्यू माइनस एक्स डी एक्स एस डी एक्स बाई डी वाई पुट करते हैं। तो इस इक्वेशन में इस वैल्यूज को पुट कर दिए, इसको सॉल्व कर दिए और जो एस वाला टर्म था उसको अलग और जो नॉन एस वाला टर्म था उसको अलग। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके जो नॉन एक्स वाला टर्म था उसको अलग कर दिए और जो एक्स वाला टर्म था उसको अलग कर दिए, ठीक है। तो एक्स ये नॉन एक्स वाला टर्म हो गया और ये एक्स वाला टर्म एस वाला टर्म हो गया जिस टर्म में एस था, ठीक है। उसके बाद इसको क्या किए, जीरो से इक्वेट कर दिए, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन गया, ये दूसरा इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन वन और टू है वही है मॉन्ग्स का सब्सिडरी इक्वेशन दैट इज इक्वेशन वन एंड टू आर द रिक्वायर्ड सब्सिडरी इक्वेशन। नाउ जो हमारा आई नंबर का क्वेश्चन है उसमें बोला है कि अगर जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई रहा तो डी पी हम कैसे निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ आर एंड एस। तो क्योंकि जो डी पी है वो एक परफेक्ट डिफरेंशियल है और जब हम डी पी का टोटल डिफरेंशियल लेते हैं तो डी पी इज इक्वल टू आता है डेल पी बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल पी बाई डेल वाई डी वाई। तो डेल पी बाई डेल एक्स होता है आर और डेल पी बाई डेल वाई होता है एस। तो डी पी हमारा आ जाएगा डी पी इज इक्वल टू आर डी एक्स प्लस एस डी वाई विच इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। नाउ जो जे नंबर का क्वेश्चन है उसमें पूछा है फॉर्म write the working formula for solving a partial differential equation of the form function of p q z is equal to zero. So agar ऐसा कोई form हो equation का जिसमें function हो p q और z का, तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो z है उसको मान लेते हैं कि वो function of x plus ay है, ठीक है। और इसको हम फिर further मानते हैं कि ये capital x है, तो हमारा जो function of capital x is equal to z आएगा। नाउ क्योंकि p होता है del z by del x, तो इसको जब हम partial differentiate करते हैं तो हमारा आ जाएगा dz by dx। और q जो है इसको, क्योंकि ये q जो होता है वो होता है del z by del y, तो इसको जब हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो देखते हैं इसका वैल्यू आएगा a dz by dx। तो p और q का वैल्यूज को हम यहाँ जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे और हम उसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रीवियस इक्वेशन क्वेश्चंस। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू ऑल।